मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसटीपीएस फॉर स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट मैथ। टुडे आई विल टीच एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन नंबर 3। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉल टू बिग। पार्ट नंबर ए 1/4, 5/6, 7/10 एंड 1/2। तो इसमें आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सभी डिफर है, अलग अलग है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4, 6, 10 and 2, इन 4, 6, 10 and 2 का एलसीएम लिया। तो एलसीएम आप लोग निकालना जानते हैं, 4, 6, 10, 2, इसका एलसीएम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 3 का 3, 5 इज सेम 1। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 3, 1, 3 1 जा 3, 5 1। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 5, 1, 1, 5 1 जा 1। तो इन सभी का नंबर्स का मल्टीप्लाई जिससे डिवाइड किया है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 16 एलसीएम। तो ये एलसीएम हमने फाइंड किया, दिस 16। तो फर्स्ट फ्रैक्शन 1/4, तो 60 डिवाइडेड बाय 4, 4 का डिवाइड 16 में लगाया 15 टाइम्स, तो इस 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। सेकंड फ्रैक्शन 5/6, तो इस 6 का डिवाइड एलसीएम 60 में, 6 10 जा 60, तो 5/6 मल्टीप्लाई 10/10, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। 7/10, तो 10 का डिवाइड एलसीएम 60 में 6 टाइम्स, तो 7/10 मल्टीप्लाई 6/6, 7 6 जा 42, 10 6 जा 60। नेक्स्ट लास्ट फ्रैक्शन 1/2, 2 का डिवाइड एलसीएम 60 में 30 टाइम्स, तो 1/2 मल्टीप्लाई 30/30, तो 30 1 जा 30, 32 जा 60। अब आप देख रहे हैं हर जगह एलसीएम आपका सेम हो गया। तो दिस असेंडिंग ऑर्डर इक्वल, सबसे छोटा नंबर 15/60, इससे बड़ा 30/60, नेक्स्ट 42/60 और लास्ट 50/60। अब 15 मींस 1/4, 30 मींस 1/2, 42 मींस 7/10 एंड 50 मींस 5/6। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर बी 5/6, 5/12, 5/18, 5/3। तो इसमें आप देख रहे हैं न्यूमरेटर सभी के सेम है। व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम देन द ग्रेटर फ्रैक्शन इज स्मॉलर, सॉरी देन द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन। जब आपके न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है। तो दिस असेंडिंग ऑर्डर 5/18, 5/12, 5/6, 5/3। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी एंड डी इज होमवर्क। ये आपको पार्ट नंबर सी और डी सिमिलरली ए पार्ट के तरीके से सॉल्व करना है। ओके, दैट्स इट।